खबर है सीकर से, जहां सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने अपने निवास पर जनसुनवाई की। काफी संख्या में लोगों ने अपने अपने इलाके की पानी, बिजली, चिकित्सा, सड़क सहित कई समस्याओं के बारे में सांसद सुमेधानंद सरस्वती को अवगत करवाया। वहीं सुमेधानंद सरस्वती ने लोगों को जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। सुमेधानंद सरस्वती ने बताया कि जल्द ही सीकर जिले में दिल्ली से सीकर और सीकर से जयपुर तक की ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा और साथ ही ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि इलाके में पानी की गहरी समस्या है और इसके लिए वे केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर समस्या के समाधान के लिए आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीकर जिले में खिलाड़ियों के लिए भी खेल मैदान के लिए प्रयासरत है और इसके अलावा सीकर जिले की कई विकास कार्यों को पूरा कराने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में पानी की समस्या है, लंबी समस्या के समाधान के लिए तो हमारा प्रयास चल रहा है यमुना जल का। अभी एक मीटिंग मेरी हो चुकी है और अभी मंत्री जी से दोबारा फिर जाकर के मीटिंग करेंगे। यमुना जल का पानी जब आ जाएगा तो एक स्थायी समस्या का समाधान हो जाएगा, और जब तक यमुना जल का पानी नहीं आता है तब तक स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पानी नहीं जाता है वहाँ टैंकरों से पानी पहुँचाएँ, जहाँ ट्यूबवेल्स की कमी है, पानी उपलब्ध है ज़मीन में, वहाँ पर ट्यूबवेल लगाएँ। ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ कहीं मुझे दिखाई देती है इमरजेंसी, मैं मेरे कोष से भी ट्यूबवेल देता रहता हूँ। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।